give you update about my sonography reports, and I think I'm going to share my first month symptoms my feelings jo bhi my experiences were there for this pregnancy. So iske pehle wali clip mein aapne dekha hai ki how I was sharing that I came to know about my pregnancy and stuff like that. So yeah, aaj ka video specifically sonography pe hoga because I have two sonographies as of now. Ek जो मेरी सोनोग्राफी हुई थी वो 23 को हुई थी, जो शायद मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था इसके पहले वाली क्लिप में. और जो मेरी सेकंड सोनोग्राफी है वो मैंने फर्स्ट को करवाई जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू हियर द हार्ट बीट्स. और इसके लिए मुझे कहा गया था कि आई नीड टू रिपीट द सोनोग्राफी बिकॉज फर्स्ट सोनोग्राफी में इट वॉज जस्ट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड सेकेंड वन वॉज स्पेसिफिकली फॉर बम्प डेट एंड देन दे गिव दिस हार्ट बीट थिंग. वो सारी चीज़ें सेकेंड सोनोग्राफी में मुझे पता चली. सो हियर इज माई फाइल ऑफ द सोनोग्राफी. फर्स्ट सोनोग्राफी में तो ऑब्वियसली आई केम टू नो दैट आई एम प्रेगनेंट. मतलब सोनोग्राफी इज वेरी मेजर थिंग टू नो दैट यू आर प्रेगनेंट और नॉट. अगर भी टेस्ट पॉजिटिव आते हैं सब कुछ आता है फिर भी सोनोग्राफी में दिखना बहुत ज़रूरी होता है दैट इट्स अ सिंगल प्रेगनेंसी. मतलब ट्विंस वगैरह कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट वन बेबी एंड द एम्ब्रियो एंड द योक सैक इज वेल डिफाइंड एंड ऑल दोज थिंग्स. सो दीज आर माई फर्स्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट्स एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको, दिस इज माई बेबी. एंड ये भी यहाँ पे भी जो ब्लैक स्पॉट है, दिस इज़ द बेबी. तो ये मेरा फर्स्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट था एंड विच कन्फर्म दैट आई वॉज प्रेगनेंट. फिर उसके बाद सेकेंड सोनोग्राफी रिपोर्ट जो मैंने फर्स्ट को ही कराया था, यस, तो उसमें मैंने बेबी की हार्ट बीट सुनी है एंड माई बेबीज हार्ट बीट्स आर परफेक्टली ओके, द कार्डियक एक्टिविटी इज़ वेल अप्रिशिएटेड. बट इस सोनोग्राफी में आई वॉज एबल टू सी माई बेबी एंड इट वॉज सो क्यूट, टीनी टाइनी. मतलब इतना क्यूट लग रहा था देखने में. जनरली लेट मी टेल यू, जो मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी हुई वो 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हुई और जो मेरी सेकेंड सोनोग्राफी हुई वो मेरी 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हुई. तो जनरली 8th वीक तक जो बच्चे के हाथ पैर होते हैं ना, मतलब आप कह सकते हो कि बॉडी में से हाथ और पैर निकलना चालू होते हैं विच आर वेरी टीनी टाइनी बट इट इज़ वेल डिफाइंड. मतलब आप देख सकते हो सोनोग्राफी में. तो आई वॉज एबल टू सी एवरीथिंग. आई वॉज एबल टू सी द लेग्स, आई वॉज एबल टू सी द आर्म्स एंड मैं उसका सिर देख पा रही थी एंड आई वॉज एबल टू सी द हार्ट बीट एंड द हार्ट, क्योंकि हार्ट जनरली ब्लिंक होते रहता है. एक ऐसे लाइट का स्पॉट टाइप ऑफ दिखाई देता है और वो ब्लिंक होते रहता है. सो दैट इज़ द हार्ट बीट एंड हार्ट बीट भी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है. सो या लेट जस्ट मूव टूवर्ड्स द बेबी पिक्स. सो दिस इज माई बेबी. ये आप देख सकते हो, ये वाला उसका पैर है, ये वाला उसका हाथ है और वो साइड में भी शायद आप ना देख पाओ, ये वाला उसका पैर है दूसरा. दिस इज द बेबी एंड इट लुक्स सो नाइस. अगेन यहाँ पे भी दिस इज़ माय बेबी. इट इज़ ग्रोइंग. मतलब आप देख सकते हो एक वीक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है बेबी की. यहाँ पे आप एकदम अच्छे से देख सकते हो. एंड लेट मी टेल यू द बेबी मूव्स. द बेबी लिटरली मूव्स एंड चेंजेस द पोजिशन लाइक सो मच. दिस वन इज़ द हार्ट बीट्स. मैंने बहुत प्रॉपरली हार्ट बीट सुने, बहुत ब्यूटीफुल लगती है सुनने में. दैट्स इट, ये थे मेरे सोनोग्राफी रिपोर्ट्स एंड आई एम सो हैप्पी शेयरिंग इट विथ यू. आई एम सो हैप्पी. मतलब ये मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बोला था कि जब हम सोनोग्राफी करने जाते हैं तो वी आर सो मच ईगर फॉर द नेक्स्ट वन. मतलब हर बार बच्चे को देखना वो वाली फीलिंग बहुत अच्छी होती है. ऑल्सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रेगनेंसी सो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है. सेकेंड टाइम शायद इतनी नहीं होती होगी बिकॉज वी आर फैमिलियर विथ ऑल दीज थिंग्स. तो या थर्ड मंथ मेरा 7th को स्टार्ट होगा एंड सितंबर अक्टूबर 7th को मेरा थर्ड मंथ ख़त्म होगा. बट
उसके पहले 29 सितंबर को मेरी थर्ड सोनोग्राफी होगी एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा ख़त्म हो रहा है एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत जल्दी ख़त्म हुआ है, बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हुआ है, लाइक वेरी 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 अर्ली. मतलब मुझे पता ही नहीं चला मेरा 2 मंथ कब कंप्लीट हुआ एंड मैं थर्ड मंथ अब एंटर कर रही हूँ. सो या ओके, अब इसके बाद मुझे शेयर करना है आपके साथ मेरे फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी सिम्टम्स से. और सी, जनरली आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी प्रेगनेंसी सिम्टम्स पे या ऐसी सारी चीज़ें, बट ऐसे होता है कि हर एक पर्सन का सिम्टम और जो भी एक्सपीरियंस है वो वैरी करता है. आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि अगर आपको मेरे जैसे सिम्टम्स नहीं हुए हैं तो यू आर नॉट प्रेग्नेंट, या आपको मेरे जैसे सिम्टम्स हुए हैं तो यू आर प्रेग्नेंट, बिकॉज एक फिजिकल कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है, जैसे ब्लड रिपोर्ट, सोनोग्राफी और यूरिन टेस्ट, ऐसे सारे रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो नथिंग प्लेज ऑन सिम्टम्स. सिम्टम्स तो मतलब एवी भी होने हैं, क्योंकि अगर हमारे फीलिंग है दिल में तो हम वैसे ही सोचते हैं और वैसे ही फील करते हैं. सो दिस वीडियो इज ट्रूली टू शेयर वॉट आई फील एंड वॉट वेयर माई सिम्टम्स ड्यूरिंग माई फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. फर्स्ट मंथ मतलब जनरली 4 वीक्स होते हैं. सो दिस इज अ डिस्क्लेमर बिफोर शेयरिंग दिस वीडियो. सो लेट मी टेल यू, ये मुझे भी नहीं पता था. जब मैं प्रेगनेंट हुई आई गॉट टू नो हाउ टू कैलकुलेट द मंथ एंड हाउ टू कैलकुलेट द वीक्स. जब आपको लास्ट पीरियड्स आते हैं तो तब से लेके आपको मिस पीरियड्स जब तक हुए हैं तब तक 1 महीना कैलकुलेट होता है. मतलब ये बहुत फनी है सुनने में कि हमारा 1 महीना ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया है प्रेगनेंसी का और हमको पता भी नहीं चला. सो इट्स लाइक दैट, बट येस इट इज़ हाउ इट वर्क्स. मतलब पीरियड्स के बाद से यू आर प्रेगनेंट, विच इज़ नॉट द केस, बिकॉज साइकिल बहुत अलग तरीके से चलता है. बट बेबी कैलकुलेशन में, बम्प डेट कैलकुलेशन में, बेबी साइज, बेबी ग्रोथ कैलकुलेशन में वैसी वीक्स पकड़ी जाती है. तो मेरे साथ ये हुआ था कि जुलाई 24th से was started to feel something different in my body. मुझे गैसेस होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ था. सबसे फर्स्ट सिम्टम ऑफ माइंड वॉज गैसेस. पेट फूल रहा था, इतना फूल रहा था जैसे मैं 3-4 महीनों की प्रेगनेंट हूँ, इतना मेरा पेट फूल रहा था. माई इम्यून सिस्टम पूरी बिगड़ गई थी. सो आई वॉज हैविंग अ बिट ऑफ डिसेंट्री काइंड ऑफ थिंग. फिर उसके बाद यूरिनेशन मुझे बहुत था, तो ये एक थर्ड सिम्टम हुआ. फिर ये 3 बहुत मेजर सिम्टम्स थे कि मुझे जनरली पीरियड्स के टाइम थोड़ा बहुत ऐसे होता है, बट इतना नहीं होता है जितना मुझे हो रहा था. कि आई वॉज थिंकिंग ये इस महीने कुछ तो अलग हो रहा है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल. सो 24th से मुझे ये होना स्टार्ट हुआ. 1 मेजर थिंग मैंने एक्सपीरियंस की, मेरा फेस पहले बहुत ज़्यादा डल हुआ करता था, बहुत डल. बट सडनली 29th आई परफेक्टली रिमेंबर द डेट. 29th को मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा था कि मेरा फेस बहुत ग्लो कर रहा है आज. मतलब इतना ग्लो मेरे फेस पे बहुत अचानक आया है, क्योंकि पहले मेरा फेस पूरा महीना बहुत डल लग रहा था. सडनली 29th से मेरा फेस बहुत ग्लो हुआ. सो ये था मेरा 4th सिम्टम कि जनरली प्रेगनेंसी में कहा जाता है वी ग्लो सो मच. उसके बाद मेजर सिम्टम, द मेजर सिम्टम जो होना ज़रूरी है, दैट इज़ मेरे पीरियड्स मिस हो गए. सो दैट टाइम आई गॉट श्योर शॉट कन्फर्म दैट समथिंग इज़ रॉन्ग. उसके ऊपर से और एक सिम्टम है जो मैं अभी भी फील कर रही हूँ. मेरी सांस बहुत फूल रही थी. आई यूज़ टू टेक डीप ब्रिथ्स. अभी भी आपने मेरे व्लॉग्स में या वीडियोस में देखा होगा तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेती हूँ. आप बहुत जल्दी, आपकी सांस फूलती है और आप बहुत जल्दी थक जाते हो. सीढ़ियाँ तो मतलब मैं नॉर्मली चढ़ी नहीं पाती थी, मैं बहुत थक जाती थी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद. फिर वीकनेस और एनर्जी डाउन होना एक और सिम्टम था, बट मेरी एनर्जी इतनी डाउन नहीं हुई थी कि मुझे उसके ऊपर से कुछ पता चले. फिर उसके बाद आई हैड अ ब्लड टेस्ट. So after my blood test, things got confirmed that I'm pregnant and फिर I got urine test. और urine kit मैंने use किया था घर ही घर में, प्रेगा न्यूज़ का.
सो यस, मेरा यूरिन टेस्ट पॉजिटिव हुआ था एंड आई वॉज सो हैप्पी एट दैट पॉइंट. ब्लड टेस्ट तो मतलब तब तक रिजल्ट आ ही गया था, वहाँ से मुझे पता ही चला था आई एम प्रेग्नेंट. फिर तो वहीं से फिर प्रेगनेंसी वाली जर्नी सेकेंड मंथ मेरा स्टार्ट ही हो गया 7th के बाद से. तो अभी भी मेरा सेकेंड मंथ ही चल रहा है, सेकेंड मंथ ख़त्म हो जाएगा. तो ये थी मेरी फर्स्ट मंथ की सिम्टम्स. एंड आप इसको अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी बोल सकते हो या प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी बोल सकते हो. अर्ली इसलिए क्योंकि ब्लड टेस्ट होने से पहले आपको चीज़ें नज़र आती है. सो इट इज़ कैलकुलेटेड एज फर्स्ट मंथ सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स. सो या दैट वॉज इट फॉर द फर्स्ट मंथ का सिम्टम्स. आई थिंक आई विल बी शेयरिंग सेकेंड मंथ का सिम्टम्स अलॉन्ग विद द वीक्स आई एम पासिंग ऑफ प्रेगनेंसी. सो सर्टनली अभी मैं 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हूँ. मेरा 8th वीक 3-4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा. सो मैं 9th वीक एंटर करूँगी. फर्स्ट मंथ 4 वीक्स, सेकेंड मंथ 8 वीक्स, थर्ड मंथ 12 वीक्स दैट वीज. सो या दैट वॉज इट फॉर फर्स्ट मंथ. लेट्स मीट अप विथ माई सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी सिम्टम्स एंड मे बी ऑन द सेम डे आई वुड बी शेयरिंग माई सोनोग्राफी रिपोर्ट्स विच आर गोइंग टू बी डन ऑन 29th of September. सो होपफुली मैं 29th को ही अपनी सेकेंड क्लिप शूट कर लूँगी. एंड या दैट्स इट फॉर दिस वन. आई होप यू लाइक दिस रिवाइंड काइंड ऑफ थिंगी वीडियो ऑफ माई प्रेगनेंसी. एंड या दैट्स इट फॉर दिस वन. सी माई नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय.